हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में आज हम थर्मोडायनेमिक्स बेसिक्स जो यूनिट वन है आपकी, उस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल की वो देखेंगे कि न्यूमेरिकल किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। उसमें आपको थर्मोडायनेमिक जो बेसिक्स है उसके जो कुछ प्रिंसिपल है उनको जानने का मौका मिलेगा, किस तरह से अप्रोच न्यूमेरिकल में रखते हैं। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि आपके सामने एक न्यूमेरिकल शो किया गया है, ए पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट shown in the figure below initially contains air at 150 kilopascal and 400 degree centigrade। यानी कि एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है जिसके अंदर एयर अवेलेबल है और एयर का जो प्रेशर है वो 150 kilopascal है और 400 degree centigrade उसका टेम्परेचर है इनिशियल स्टेट पर, ठीक है। द सेटअप इज अलाउड टू कूल द एम्बियंट टेम्परेचर ऑफ 20 degree। अब इस लाइन का क्या मतलब है कि ये जो सेटअप है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, इसको वातावरण में कूल किया जा रहा है, ठीक है। वातावरण में एज इट इज़ छोड़ा गया है और इसको कूल किया जा रहा है। अब इसमें क्या पूछा है, देखिए क्वेश्चन ए, इज़ द पिस्टन रेस्टिंग ऑन द स्टॉप इन द फाइनल स्टेट। यानी कि ये जो पिस्टन है, ये जो स्टॉप्स है, ठंडा होते होते क्या होगा कि इसका जो प्रेशर है धीरे धीरे, मतलब इसकी जो एनर्जी है धीरे धीरे सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगी, एनर्जी कंटेंट लॉस होने से इसका प्रेशर डाउन होगा और ये जो पिस्टन है क्या ये इस स्टॉप्स पर टच करेगी, इतना कूलिंग हो जाएगी। जबकि जो टेम्परेचर कितना हो जाए इस एयर का, फाइनल टेम्परेचर इस एयर का 20 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाना चाहिए। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचने पर क्या ये पिस्टन ये जो स्टॉप्स हैं इनको हिट करेगी। दूसरा, अगर हिट करती है तो व्हाट इज़ द स्पेसिफिक वर्क डन इस दौरान, जो स्पेसिफिक वर्क डन है कूलिंग प्रोसेस के दौरान, जो स्पेसिफिक वर्क डन है एयर का, एयर के द्वारा, वो कितना होगा। तो देखिए, इसको हम अप्रोच करेंगे। तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको समझने की है कि इनिशियली इसमें ये पूछा गया है कि पिस्टन इस स्टॉप्स को हिट करेगी या नहीं। तो हम यहाँ पर ये मानेंगे कि मान लीजिए कि पिस्टन इन स्टॉप्स को हिट करती है, ठीक है। पिस्टन जब इस स्टॉप को हिट करती है तो यहाँ पर दो स्टेट कायम होंगी, एक तो स्टेट वन इनिशियली, जबकि जो एयर है उसका प्रेशर 150 किलो पास्कल एंड 400 डिग्री सेंटीग्रेड है, और दूसरी स्टेट ये पिस्टन स्टॉप्स वाली होगी। इन स्टॉप्स पर पिस्टन आके रेस्ट करती है, यहाँ स्टेट टू है, ये स्टेट वन है, और स्टेट टू पर टेम्परेचर कितना हो जाता है एयर का, 20 डिग्री सेंटीग्रेड कूलिंग के बाद, और प्रेशर हमें फाइंड करना है, ठीक है। वॉल्यूम कितना होगा, अब देखिए इस पिस्टन का अगर क्रॉस सेक्शन एरिया हम ए मान ले, ठीक है, तो इनिशियली जो इसकी हाइट है वो कितनी है स्टेट वन पर, 1+1 2 मीटर, ठीक है। तो एरिया इनटू हाइट टू इज इक्वल टू वॉल्यूम V1 स्टेट वन का। और अगर फाइनल स्टेट हम ये माने कि पिस्टन यहाँ इस स्टॉप पर हिट करती है, तो इसका जो फाइनल स्टेट यानी V2 का जो वॉल्यूम होगा, एरिया कॉन्स्टेंट रहेगा और इसका देखिए हाइट कितनी रह गई 1 मीटर, तो V2A हो गया और V1 2A हो गया। तो यानी कि जो वॉल्यूम है V2 फाइनल स्टेट, वो फर्स्ट स्टेट वॉल्यूम का हाफ है, ठीक है। इनिशियल जो वॉल्यूम है वो डबल है, तो यानी कि हम ये लिख सकते हैं V1 इज इक्वल्स टू ट्वाइस V2 या V2 इज इक्वल टू V1/2। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो गिवन डाटा है वो क्या है, एट स्टेट वन, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर इसका PV डायग्राम बनाया गया है। स्टेट वन पर जो हमारे पास P1 है वो 150 किलो पास्कल है, टेम्परेचर है 400 डिग्री सेंटीग्रेड, इज इक्वल टू 673 केल्विन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273 केल्विन होता है, तो हमने 400 में 273 ऐड कर दिया है, तो ये टोटल 673 केल्विन हो गया। टेम्परेचर को आपको हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट केल्विन में लेना है कैलकुलेशन पर्पस से, ठीक है। अब स्टेट टू हमारी कौन सी है, देखिए यहाँ पर मैं डाइग्राम बना देता हूँ फिर से आपको। ये इनिशियल में हमारी पिस्टन यहाँ थी स्टेट वन, और ये जो है वो दो स्टॉप्स हैं, ठीक है। स्टेट टू हमारी जब कहलाएगी, जब ये पिस्टन स्टॉप्स टू जो हैं यहाँ पर आ जाएगी, इसको मैं शो कर देता हूँ, देखिए ये पिस्टन और ये सिलेंडर में स्टॉप्स है, ये स्टेट वन है और ये फाइनल स्टेट टू है, जब ये पिस्टन जो है स्टॉप्स पे टकरा जाए। अब देखिए यहाँ जो इनिशियल स्टेट है यहाँ पर वॉल्यूम है V1 जो कि हमने जो माना था 2A, ठीक है, और V2 जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा V1/2, ठीक है, जस्ट इसका हाफ होगा क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है लेकिन हाइट अलग है। यहाँ तक स्टेट वन तक हाइट 1+1 2 मीटर है, और स्टेट टू जो स्टॉप्स वाली है वहाँ तक हाइट 1 मीटर है, तो जस्ट इसका हाफ होगा, ठीक है। अब देखिए हम
क्या मानते हैं कि लेट अस अज्यूम दैट पिस्टन विल हिट द स्टॉप, ठीक है। तो फाइनल वॉल्यूम वी टू इक्वल टू वी वन बाई टू पॉइंट फाइव वी वन हो गया। अब फ्रॉम आइडल गैस इक्वेशन, देखिए जहाँ कहीं भी आपको थर्मोडाइनमिक्स में अगर जब भी अप्रोच करना हो तो बाय डिफ़ॉल्ट जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो आइडल गैस इक्वेशन होती है। हम अगर वो प्रोसेस का पाथ दे देता है कि प्रोसेस इस नियम को फॉलो करती है तो अलग बात है, नहीं अगर वो ऐसा कुछ नहीं बोलता तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ट्राई करने के लिए जो है वो आइडल गैस इक्वेशन अप्लाई करनी होती है। बहुत जगह पर, वेरियस जगह पर काम आती है ये आइडल गैस इक्वेशन। तो देखिए हम जानते हैं आइडल गैस इक्वेशन इज इक्वल टू पी वी अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो स्टेट वन के लिए और स्टेट टू के लिए हम क्या लिख सकते हैं इसको, पी वन वी वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू अपॉन टी टू। तो देखिए यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, फाइनल प्रेशर पी टू, तो वो क्या हो जाएगा पी वन वी वन इंटू टी टू डिवाइड बाई टी वन वी टू। तो अब देखिए यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू गिवन है हमें, यहाँ पर हमें लगभग देखिए पी वन जो है 150 किलो पास्कल है, वी वन एज इट इज़, टी टू 293 केल्विन, टी टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है तो 273 प्लस 20 293, और जो टी टू है टी टू आ गया अपॉन में टी वन 673 केल्विन, और वी टू जो मैंने बताया जैसे कि आपको वी टू जो फाइनल है वो इनिशियल वॉल्यूम का हाफ होगा, ठीक है, क्योंकि इसकी हाइट हाफ हो गई है, पहले वन इनिशियल स्टेट तक 2 मीटर है, फाइनल पे 1 मीटर है, तो 0.5 वी वन आ जाएगा वी टू फाइनल वॉल्यूम। तो देखिए वी वन से वी वन कैंसिल आउट हो जाएगा इस इक्वेशन में, वी वन से वी वन, तो बाकी जो पैरामीटर हैं उनको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो फाइनल प्रेशर पी टू इज इक्वल टू 130.22 किलो पास्कल आ जाएगा। तो देखिए तो यहाँ जो पिस्टन का फाइनल प्रेशर है वो पी टू आ चुका है, तो यानी कि हम जो ये मान के चले थे कि लेट अस अस्यूम दैट पिस्टन विल हिट द स्टॉप, तो ये सही होगा क्योंकि जो फाइनल प्रेशर है वो इनिशियल प्रेशर से कम आया है। अगर फाइनल प्रेशर जो है इनिशियल प्रेशर के इक्वलेंट आता या इससे ज़्यादा आता तो हम ये मानते हैं कि भाई जो पिस्टन है वो इस स्टॉप को हिट नहीं करेगी, लेकिन चूंकि एनर्जी लॉस हो रही है क्योंकि उसको कूल किया जा रहा है तो डेफिनेट सी बात है पिस्टन नीचे आएगी, और इतने प्रेशर पर जब ये इतने प्रेशर आ जाएगा 130 तब ये जो पिस्टन है इस इन स्टॉप से जो है वो टकरा जाएगी और फिर उसका जो टेम्परेचर कितना होगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर हो जाएगा। अब देखिए इस प्रोसेस के दौरान जो किया गया कार्य है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए जब भी हम थर्मोडाइनमिक वर्क कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम क्या है इसका पीवी प्लॉट है वो ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब देखिए पीवी प्लॉट यहाँ दिखाया गया है, इधर ध्यान दीजिए इस फिगर पे। तो देखिए यहाँ पर इसको जब हम पीवी प्लॉट पर दिखाएंगे तो देखिए स्टेट वन और उसके बाद ये स्टेट टू। अब देखिए यहाँ पर एक बीच में स्टेट टू डैश आती है, तो ये टू डैश क्या है इसको समझिए। देखिए पहले जो इनिशियल जो है यहाँ पर ये जो पिस्टन है ये पिस्टन यहाँ से चलना स्टार्ट हुई धीरे धीरे, ठीक है। अब यहाँ पर जब ये पिस्टन आई है तो इसका जो प्रेशर है वो यहाँ पे जस्ट ये जो पिस्टन ये जो हिट स्टॉप को करेगी इससे जस्ट पहले तक इसका प्रेशर कांस्टेंट रहता है, और एकदम से जब इसके पास आती है तब ये जो प्रेशर है अचानक डाउनवर्ड कंडीशन में आ जाता है, और इसके बाद जो प्रेशर है फर्दर जो इसका 130 किलो पास्कल पे आ जाता है और वहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है क्योंकि पिस्टन इस स्टॉप को टच कर देती है तो वॉल्यूम में चेंज नहीं आता है, ठीक है। वॉल्यूम देखिए इनिशियली वॉल्यूम कम होता है, इनिशियली जब ये पिस्टन वन से टू पर आ रही है तो टू स्टेट से जस्ट पहले यानी कि बेसिकली वी टू और वी टू डैश दोनों कांस्टेंट वॉल्यूम है, आपने देखा होगा यहाँ देखिए इस प्रोसेस पे ये कांस्टेंट वॉल्यूम की लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे लगातार इसका वॉल्यूम डाउन हो रहा है टू तक, जब तक ये स्टॉप तक टकराती है, उसके बाद क्या होगा यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर रहेगा और उसके बाद ही इसका फिर क्या है जो प्रेशर है डाउन होने लगेगा। तो इसको हम पीवी प्लॉट पर जब बनाएंगे तो वन से टू डैश कांस्टेंट प्रेशर, फिर उसके बाद कांस्टेंट वॉल्यूम वी टू से वी टू डैश, तो वी टू डैश और वी टू दोनों बराबर वो वॉल्यूम है। तो यहाँ पर जब हम इसका पीवी प्लॉट के द्वारा जब इसका हम वर्क डन कैलकुलेट करना चाहेंगे तो डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, ठीक है। तो हम इसको दो पार्ट्स में तोड़ेंगे, वर्क डन वन टू टू डैश एंड वर्क डन टू डैश टू टू। तो देखिए हम इस इक्वेशन को कैसे डिनोट करेंगे, डब्ल्यू इज इक्वल टू देखिए विद इन लिमिट्स ऑफ वन टू टू डैश पी डी वी, तो यानी कि वन टू टू डैश पी डी वी प्लस टू डैश टू टू पी डी वी, ठीक है। यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है ये देखिए आप विद इन लिमिट्स ऑफ वन टू टू डैश पी डी वी विद इन लिमिट्स ऑफ टू डैश टू टू पी डी वी। अब देखिए ये जो कांस्टेंट वॉल्यूम वाला है टू डैश टू टू यहाँ वॉल्यूम में चेंज तो है नहीं, वी टू डैश और वी टू दोनों वॉल्यूम बराबर, एक बार जब पिस्टन इस स्टॉप पर रेस्ट करेगी
तो उसके बाद वॉल्यूम फर्दर डिक्रीज़ होगा नहीं, तो वी टू और वी टू डैश दोनों क्या है, सेम वॉल्यूम है, तो ये वाला जो वर्क डन है ये तो हो जाएगा जीरो। ठीक है, बचेगा कौन सा, विद इन लिमिट्स वन टू टू डैश पी डी वी। तो अब देखिए वन टू टू डैश के दौरान जो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है, वो सॉरी कॉन्स्टेंट जो प्रेशर है वो कितना है, पी वन। तो हम इसको क्या लिख देंगे, कॉन्स्टेंट प्रेशर पी वन, और जो वॉल्यूम है इसका है, जो इंटीग्रेशन डी वी का वी आएगा, जिसकी लिमिट हम लगाएंगे वन से टू डैश, तो यानी कि वी टू डैश माइनस वी वन। अब वी टू डैश किसके बराबर है, वी टू के बराबर, और वी टू की वैल्यू कितनी है, पॉइंट फाइव वी वन। तो पी वन इंटू पॉइंट फाइव वी वन माइनस वी वन, तो अब देखिए हाफ वी वन माइनस वन वी वन है, तो माइनस का साइन आ जाएगा इधर, माइनस जीरो पॉइंट फाइव पी वन वी वन आएगा। अब देखिए अगेन हम आइडियल गैस इक्वेशन का दूसरा रूप यूज़ करेंगे, जो क्या होता है, पी वी इज इक्वल टू एम आर टी। ठीक है, तो यहाँ से जो पी वन वी वन है स्टेट वन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, पी वन वी वन इज इक्वल टू एम आर टी वन। यहाँ से देखिए इस रिलेशन से पी वन वी वन इज इक्वल टू एम आर टी वन। अब एम आर टी वन, तो इसके लिए वैल्यू क्या आ जाएगी, डब्लू वन टू टू वापस माइनस जीरो पॉइंट फाइव एम आर टी वन। अब यहाँ पर जो एम है वो एयर का मास है। अब चूंकि स्पेसिफिक वर्क डन पूछा है, तो स्पेसिफिक वर्क डन का मतलब होता है यूनिट मास के लिए, तो एम की वैल्यू वन के जी आ जाएगी, और आर जो होता है गैस कांस्टेंट एयर के लिए, उसकी वैल्यू होती है 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन। तो आर की वैल्यू 0.287 रख देंगे, टी वन की वैल्यू हमें पता है 673 केल्विन दी गई है, तो डब्लू 122 फाइनल वर्क डन आ जाएगा माइनस 96.57 किलो जूल पर केजी। तो देखिए यहाँ पर जो वर्क डन है वो नेगेटिव आया, तो नेगेटिव वर्क डन क्या शो करता है, नेगेटिव वर्क डन ये शो करता है कि जो जो वर्क डन है वो सिस्टम से सॉरी सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क कर रहा है। ठीक है, क्योंकि जब ये जो पिस्टन थी, ठीक है इस डायग्राम में देखिए, ये जो पिस्टन थी, ठीक है, अब इसको जब ठंडा होने दिया जा रहा है, तो वापस से ये कहाँ जा रही है, वो नीचे की ओर जा रही है, तो इस दौरान जो क्या है ये एनर्जी रिलीज़ कर रही है सराउंडिंग में, क्योंकि कूलिंग हो रही है, कूलिंग के दौरान एयर जो है अपनी जो एनर्जी सराउंडिंग पे जो रिलीज़ कर रही है, जिसके कारण जो वर्क डन हो रहा है इस पिस्टन और इसके ऊपर रखे हुए वेट के कारण, तो सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क डन कर रहा है, जिससे कि ये पिस्टन नीचे की साइड आ रही है, तो इसलिए जो वर्क डन है वो नेगेटिव आया है। ठीक है, तो नेगेटिव वर्क डन इंडिकेट्स दैट सराउंडिंग वर्क्स ऑन द सिस्टम। तो इस तरह से ये जो न्यूमेरिकल है पूरा सॉल्व होता है। तो इसके बारे में कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या ई क्लास के लेक्चर के दौरान पूछ सकते हैं। थैंक यू।